नमस्कार, मेरा नाम है मित्र। गैजेट्स फॉर यू के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, रियलमी ने इंडिया में एक और डिवाइस लॉन्च कर दिया है जो कि है रियलमी C1 2019। हालांकि ये कोई नया फ़ोन नहीं है बल्कि एक वेरिएंट है रियलमी C1 का, क्योंकि पहले आपको रियलमी C1 में देखने मिलता था 2GB रैम और 16GB स्टोरेज, और अब लॉन्च कर दिए हैं दो और वेरियंट, 2GB रैम 32GB स्टोरेज और 3GB रैम 32GB स्टोरेज। तो चलिए आज के इस वीडियो में करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि और क्या हमें नया देखने मिलता है रियलमी के C1 2019 में। और अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में और ज़्यादा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये है बॉक्स C1 2019 का। हालांकि बॉक्स में हमें कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा ही बॉक्स हमने देखा था C1 के पहले वाले मॉडल में, और आपको चेंज देखने को मिलेगा सिर्फ यहाँ पर। यहाँ लिखा है 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ में ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या इसके अंदर जो फ़ोन है वो भी वैसा ही है या फिर कुछ अलग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमको देखने मिलता है एक एनवलप जहाँ पर है इस फ़ोन का कवर और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद हमें देखने मिलता है ये फ़ोन जो कि हमारे पास अवेलेबल है मिरर ब्लैक कलर में। तो रख लेते हैं इसको भी एक बार साइड में और चलते हैं बॉक्स कंटेंट की तरफ। दोस्तों, बॉक्स में सबसे पहले हमको देखने मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर, एक सिम इजेक्टर टूल, एक डेटा केबल जो कि है माइक्रो USB पोर्ट में, और एक रियलमी का चार्जर जो कि आता है 5 वोल्ट और 1 एम की आउटपुट रेंज के साथ में। और दोस्तों, ये है C1 2019। हालांकि डिज़ाइन में भी मुझे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, वैसा ही फ़ोन है जैसा कि हम C1 पहले की तरह देख चुके हैं। बैक साइड से आपको ये मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ में। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड की, तो नॉच दिया गया है जो कि रेगुलर नॉच है। हालांकि डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन हमको देखने को मिलता है बहुत ही कम प्राइस में, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये डिज़ाइन हम पहले देख चुके हैं, यहाँ पर हमें कुछ अलग देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए, सब कुछ आप जानते हैं इसके बारे में, जल्दी से कर लेते हैं इस फ़ोन को ऑन और फिर हम देखते हैं कि हमें इंटरनल क्या चेंज देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ इस फ़ोन का। तो दोस्तों, फ़ोन का सेटअप हो चुका है कंप्लीट, और अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। तो आपको बता दें, इस फ़ोन में आपको मिलने वाला है 6.2 इंचेस का एक HD+ IPS डिस्प्ले। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो पैनल देखने को मिलता है वो है IPS, और उसका क्वालिटी आप देख सकते हैं, नो डाउट आपको काफ़ी अमेजिंग डिस्प्ले देखने को मिलता है। और इस प्राइस के फ़ोन्स में जनरली हमें ऐसा डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो पैनल है वो IPS है, जिसका डिस्प्ले क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों, यह फ़ोन भी काम करता है कलर OS पे। चलते हैं सेटिंग में और देखते हैं इस फोन की और इन्फॉर्मेशन, देखते हैं कि कौन सा कलर और इसका वर्जन यहाँ पे दिया गया है। हम आ गए हैं फोन के अबाउट फोन के सेक्शन में, जहाँ पे सबसे पहले है एंड्रॉयड वर्जन जो कि है एंड्रॉयड का 8.1 मिस ऑरियो, आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं कलर और इस वर्जन की, तो दिया गया है 5.2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसर लिखा है जो कि है स्नैपड्रैगन का 450, मतलब वही प्रोसेसर जो कि आपको पुराने वाले C1 में देखने को मिलता था। यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिल रहा है रैम, इस फ़ोन में आपको मिलता है 3GB का रैम, और अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो 32GB का स्टोरेज है, जिसमें से 21.5GB का स्पेस फ्री आपको देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि 16GB का स्टोरेज हो वो काफ़ी कम हो जाता था, यहाँ पर आपको मिल रहा है 32GB का स्टोरेज। अगर हम बात करते हैं और चीज़ों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती हैं, और डिवाइस का जो सिक्योरिटी पैच है वो दिया गया है दिसंबर 5 2018 का। दोस्तों, सिक्योरिटी के लिए इस फोन में भी आपको फेस अनलॉक का फीचर ही देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छे से काम करता है। ये हम पहले काफी सारे डिवाइसेज में देख चुके हैं रियलमी के, और नो डाउट यहाँ पर हमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इनकी सिक्योरिटी का। अगर हम बात कर रहे हैं कैमरास की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का एक ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, जो कि काफी अच्छे से काम करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सैंपल शॉट्स, इनफैक्ट इस प्राइस में आने वाले काफी सारे फोन से इस फोन का कैमरा बेटर है। और दोस्तों, एक और बात, ये आपको जो रियलमी C1 देखने को मिलता है ये अपडेटेड वर्जन के साथ में आता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन पैक आपको अलग देखने को मिलेगा। इसके अलावा रिबूट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो ये अपडेटेड आता है, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये था अनबॉक्सिंग रियलमी के नए डिवाइस रियलमी C1 2019 का। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फोन के की हाइलाइट फीचर की, तो वो है इसका बैटरी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है 4230 mAh का बैटरी, जो कि आराम से आपके फ़ोन को 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। यहाँ पर आपको मिलता है एक बहुत ही बड़ा स्क्रीन जो कि आता है नॉच डिस्प्ले के साथ में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। तो अगर आप सोच रहे थे रियलमी C1 को लेने का और रैम और स्टोरेज के कारण नहीं ले रहे थे, तो अब आप इसका 3GB रैम और 32GB वाला वेरियंट ले सकते हैं। तो चलिए, बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है और कोई सवाल है, सुझाव, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में।
तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।